हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है कवर नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित है। पिता यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखा है, उसने संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। मेरे प्रिय, ठीक है, यदि आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, बीमारी में ग्रस्त हैं तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यहोवा जोर से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो परमेश्वर इतना महान है, वो परमेश्वर इतना दयालु है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, यदि आप समस्याओं में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, गरीबी में हैं, बीमारियों में हैं, बोझ में हैं, हर प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको ये समस्या से बताना है। वो परमेश्वर इतना महान है, वो परमेश्वर इतना दयालु है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आपके दुखों को, आपके अशोक को पहुँचेगा परमेश्वर, पहुँच देगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम्हारे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, इतना करुणा निधान परमेश्वर है कि उसको सिर्फ आपके जीवन में आदेश देना है और आपके जीवनों में वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। पहला यूहन्ना 5 का 11 वचन में यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से कहा है। मेरे प्रियजनों, यदि हम सभी से पाप गलती गुनाह हुए हैं तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह आपके बीमारियों को, आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसी के पास अधिकार है कि वही हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को माफ कर सकता है, ढाप कर सकता है। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार पिता मुझ पर अनुग्रह कर, पिता अपने बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को मिटा दे मेरे स्वामी। यस, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, यदि आप गरीबी में, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको इसी वक्त अपने घुटने टेक के बैठ जाना है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताना है। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर दयालु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आपके जीवन में चमत्कार करेगा परमेश्वर, आपके जीवन में समस्या वो चेंजिंग लाएगा, आपके जीवन में समस्या वो बदलाव लाएगा, आपके जीवन में समस्या वो चेंजिंग, वो बदलाव, रुकावट के बंधन टूट जाएंगे इस समस्या के नाम से। ठीक है, इस प्रार्थना को बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनेगा। ठीक है, यदि आपके जीवन में हर एक कला धरा की बंधन है, हर एक शैतान की ओर से बंधन है, हर एक गंदी बदरी चालों के, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह के नाम से वे बंधन टूट जाएंगे, वे बंधन कट जाएंगे, वे बंधन विफल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, आप अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है और परमेश्वर से बोलना है, प्रभु मेरे जीवन के ये हर करादर के बंधन, शराब के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने मुंह से अंगीकार करना है, पश्चाताप करना मेरे प्रियजनों। ठीक है, वो इतना महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें छोटे बालक जैसा होना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी समझ बालकों जैसी हो। प्रियजनों, इस प्रार्थना को आपको आंख बंद करके लास्ट तक सुना है, लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करना है। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे प्रभु। मेरे पिता, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवित रखा है, जीवितों के बीच में सुरक्षित रखा है प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पिता, कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे बिछड़ गए होंगे प्रभु, वे बहुत दूर चले गए होंगे पिता, वे उस स्थान पर चले गए होंगे प्रभु जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी। जो आपने मेरे पिता हम सभी को संसार से चुना है, इस संसार से छुटके अलग कर दिया पिता, उद्धार कर दिया है, ज्योति में लाया है, छुटकारा कर दिया पिता, अनंत काल का जीवन दिया यीशु पापा, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते। यस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आपसे नाम की योवा है, आप सृष्टिकर्ता मालिक है, अल्फा ओमेगा अदरंत है मेरे पिता। आपके ना कोई तुल्य हुआ और ना कोई पाएगा जगत में मेरे पिता। मुर्दों को जिलाने लें, दुख को दृष्टि देने लगे, को जो कुछ करने लगे, योवा जुलावर है मेरे पिता। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी हुजूरी को, आपकी उपस्थिति को मांग लेते पिता, आपकी पावर को मांग लेते
लेते हैं, वो पवित्र पाक रूह को मांग लेते हैं इस मसीह के नाम से। मेरे पिता, मेरे प्रभु आपके दास होने के नाते पिता, हम इन मसीह भाई बहन के जीवन में आदेश देते हैं इस मसीह के नाम से। पिता, जो मसीह भाई बहन बीमार हैं, जो बेड पे पड़े हैं, जो खाट पे पड़े हैं, जो आखिरी सांस ले रहे हैं पिता, जो हॉस्पिटलों में एडमिट है मेरे स्वामी, मेरे प्रभु किसी के पास मेरे पिता यीशु पापा इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कोई अपना इलाज करा सके यीशु पिता, मेरे पिता आपके नाम से पिता ये मसीह भाई चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। हालेलुया, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे पिता आपके नाम से मांगते प्रभु, आपके नाम से पुकारते मेरे पिता, इन मसीह भाई बहनों के जीवनों में यीशु मसीह वो चमत्कार कीजिए, वो चेंजिंग लाइए, वो बदलाव लाइए, वो बरकत लाइए मेरे पिता इनके जीवन में। पिता जो शैतान की ओर से बंधन है, जो हर कराधरा के बंधन है, जो जादू टोना के बंधन है, जो शैतान से बंधन है, जो हर एक रुकावट के बंधन है, यीशु मसीह के नाम से वे टूट जाएं, टूट जाएं, कट जाएं, जल जाएं यीशु मसीह के नाम से, जल जाएं यीशु मसीह के नाम से, जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता जलकर राख हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, वे राख हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके सामने उनकी औकात नहीं मेरे प्रभु कि वे आपके सामने टिक सके पिता, उनकी औकात नहीं मेरे प्रभु। मेरे पिता आप सर्वशक्तिमान हैं पिता, आप जलाली हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु जब आपके सामने चांद सितारे आकाश सूर्य चंद्रमा थरथराते काले पड़ जाते हैं प्रभु, तो इस शैतान के क्या औकात है मेरे पिता आपके सामने मेरे पिता। मेरे प्रभु ये मसीह भाई के जीवन से पिता हर गंदी आत्माओं के बंधन निकले पिता, टूट जाए पिता, खंडित हो जाए, विफल हो जाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने लिए नहीं है मेरे पिता। मेरे प्रभु ये सबको छोड़ छाड़ के यीशु पिता आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल ले पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर होता है पिता, वह टूट सकता है पिता, बिखर सकता है मेरे पिता। मेरे प्रभु ये अन्य जातियों के आगे पिता 100-200 रुपये पर पिता ये उधर उधर हाथ ना फा लेने पाए पिता, उधार ना लेने पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका दया वाला हाथ, आपका आशीष और आशीष वाला हाथ पिता हर एक जनों को छू ले मेरे स्वामी, उनके जीवन में बरकतें आइए, बरकतें उंडेल लिए पिता, तंगे परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। ये सुमस्ती आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं मेरे प्रभु। इन तमाम मसीह भाइयों के जीवन में पिता वो आशीष के बंधन उंडेल लिए पिता, हर एक रुकावट के बंधन टूट जाए पिता, ओपन द डोर पिता, वो आशीष के दरवाजे खुल जाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता जो हम सभी मसीह भाई बहनों से यीशु पापा पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ करे पिता, आप क्षमा करे प्रभु, क्योंकि हम मानव जाते हैं मनुष्य हैं निर्बल कमजोर है पिता, पापों में गुनाहों में व्यभिचार में गिर सकते हैं प्रभु। आपने लहू से शुद्ध करे पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे स्वामी, आपने अपना लहू बाके मेरे स्वामी हम सभी को मोल खरीदा है पिता। पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, बीमारियों का बोझ, इन सारी मानव जाति के पापों का बोझ यीशु पिता आप अपने ऊपर ले लिए मेरे प्रभु, और कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए, और आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता, आप जीवित परमेश्वर यीशु पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते जो मसीह भाई बहन प्रभु रात में नहीं सो पाते हैं प्रभु, जिन्हें डर लगता है प्रभु, इन्हें भय लगता है प्रभु, मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तुझको सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरने मेरे यीशु पिता। इन वचनों के द्वारा पिता इनके जीवन में आदेश देते पिता ये अच्छे से सोएं, इन वचनों के द्वारा इन्हें आशीष आने पाए, इनकी पिता सहायता करें, मदद करें पिता, मुझे ऐसा ही विश्वास है पिता आपने प्रार्थना को सुना है। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।